हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटेक टॉक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कोई कंप्यूटर ट्यूटोरियल के ऊपर बेस्ड नहीं है। बेसिकली इस वीडियो में मैंने अपने लिए एक बाइनोकुलर ख़रीद लिया है और मैं इस बाइनोकुलर को आपके सामने जो है अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका एक छोटा सा रिव्यू दूंगा। तो मुझे स्काई वॉच का शौक़ है, तो मेरे पास पहले से ही एक टेलीस्कोप जो था और ये थोड़ा सा पोर्टेबल हो जाता है, तो मैंने एक बाइनोकुलर भी ख़रीद लिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको इस बाइनोकुलर का जो है अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस बाइनोकुलर के साथ हमें क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह मिलता है और बाइनोकुलर जो है वो एक्चुअली में क्वालिटी इसका कैसा है। तो ये बाइनोकुलर जो है बेसिकली आपका बुशनेल कंपनी का है। मैं कोई भी जो परचेसिंग लिंक है वो अपने वीडियो में नहीं दूंगा, बस आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सर्च करके भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने पहले से इसका सील जो है वो मैंने ओपन कर दिया है, तो अब इसको हम लोग इसका पैकेट जो है ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, आप थोड़ा सा पढ़ के देख सकते हैं इसके बारे में। फ़िलहाल मैं इसे एक साइड में रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सिलिका जेल है, ये जो है एक बैंड है जो आप इसके मदद से जो है बाइनोकुलर को चाहे तो आप अपने नेक के ऊपर इसे हैंग भी करवा सकते हैं, यानी कि ये एक नेक बैंड है जिसको आप बाइनोकुलर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे भी ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसे रहने देते साइड में और चलिए हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसे यहाँ से निकालते हैं। तो ये हमारा जो बाइनोकुलर है वो इसके अंदर है। इसका जो कवर दिया गया वो काफ़ी हार्ड है और क्वालिटी भी इसका कुछ ख़राब नहीं है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बाइनोकुलर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसको आपको 2000 से 2200 रुपया के अंदर इसको मिल जाएगा, आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग साइड में रख देते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, देखते हैं बाइनोकुलर एक्चुअली में कैसा है। तो इस बाइनोकुलर का सबसे एक अच्छा बात मुझे ये लगा कि आप देख सकते हैं बहुत ही हैंडी है, लाइट वेटेड है, आप इसे अपने एक हाथ में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है इसका आप बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग भी जो है बहुत ही अच्छा है। आप जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी आपको कहा था कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुशनेल कंपनी से है, आप देख पा रहे हैं। इसका प्राइस 2000 से 2200 तक आपको मिल जाएगा। काफ़ी स्मूथ है, आप इसे जब छुएंगे हाथ से तो आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा। वेट भी इसका सही है, एक हाथ के आप एक पाम में आप इसे ले सकते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ये 10x25 है, यानी कि आपको इस बाइनोकुलर से 10x का जो है जूम मिलेगा, लेकिन मैंने देखा है कि ये मैक्सिमम 12x तक भी प्रोवाइड करता है अगर इसका अब मैग्नीफिकेशन को जो है यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 10x25 यानी कि ये इसका जो एपर्चर है वो 25mm का है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको कोई भी इससे लिया हुआ जो मैग्नीफिकेशन या पिक्चर वगैरह नहीं दिखाऊंगा। मैंने एक दो दिन जो है खुद इसे यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और इसका मैग्नीफिकेशन भी बहुत ही अच्छा है। लेंस का फिनिशिंग
और क्वालिटी भी अच्छा है, आपको इससे कोई भी जो ऑप्टिकल एरर वगैरह है वो नहीं मिलेगा इसमें, तो आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल यही था इस वीडियो में हमारा जो बुशनेल कंपनी का बाइनोकुलर है उसका रिव्यू छोटा सा। फिलहाल मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन में परचेसिंग लिंक नहीं दूंगा, आप चाहे तो इसे अमेजन में बुशनेल बाइनोकुलर्स करके सर्च कर सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट में भी इसे सर्च कर सकते हैं। और प्राइस रेंज तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया, आप चाहे तो उसे वहाँ से परचेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, अपना जो कमेंट है वो हमें लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बात, अगर फ्यूचर में आप हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।